देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे ये जो विपक्षी दलों का जुटान हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो परेशानी बढ़ेगी। और ये भी बात सही है कि राहुल गांधी जो है वो केंद्र में आते जा रहे हैं, और अब जो भी जमावड़ा होगा, जो मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी मोर्चा बनेगा, उसके केंद्र में निश्चित तौर पर होगी तो कांग्रेस ही। अब इस मोर्चे में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, वो एक अलग का मसला रह जाएगा कि कोई कौन कौन जो है वो राहुल गांधी के पास सटना चाहेगा और कौन कौन जो है वो मोदी जी के साथ जाना चाहेगा। तो यानी अब देश की राजनीति जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो दो ध्रुवीय तो बन चुकी है, एक पोल पे नरेंद्र मोदी है और दूसरे पे। तो अब ये बाकी के जो क्षेत्रीय सत्रह पर इन सबको तय करना है कि इनको किस तरफ जाना है। तो अब जिसको अपनी राजनीति ठीक करनी होगी, और जो सारे की अपनी अपनी राजनीति गलत होता है, हम लोग एक विशेषज्ञ की हैसियत से सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो जो राजनेता है वो अपनी हैसियत से सोचता है कि उसे पॉलिटिक्स में करना क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे जाके क्या क्या करना है, उसकी कहाँ कहाँ नसें दबी हुई हैं। हम लोग को वो सब भी नहीं पता होता है कि उसकी नसें कहाँ दबी हुई हैं, लेकिन उसे मालूम है कि उसकी नसें कहाँ कहाँ दबी हुई हैं, इलाज भी उसका कौन कर सकता है सही तरीके से, तो अपने इलाज को देखते हुए होता है। हम लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि देश का इलाज किस तरीके से हो, उनका सोचना होता है कि उनका इलाज जो है वो किस तरीके से ठीक ठाक रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो उस पर निर्भर करती हैं। लेकिन राहुल गांधी अब जो है निश्चित तौर पर केंद्र में आ गए हैं, और सारे जो विपक्षी दल हैं उनको भी अब ये तय करना, उनकी मजबूरी हो गई कि अब उनको रहना किधर है। मतलब ये नहीं चल सकता है कि आप इधर भी जाएं उधर भी जाएं, फिर कहें कि हम तीसरा मोर्चा भी बनाएंगे। उस तीसरे मोर्चे के बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहले जाकर के निकाल दी कि भाई अब कोई तीसरा तीसरा मोर्चा नहीं होगा, जो भी होगा वो अब दो ही मोर्चे हैं, चाहे आप मोदी जी के साथ रहिए और चाहे जो है आप अब रहिए इस मोर्चे में। तो अब मुझे लगता है कि इस पर बात आगे बढ़ेगी, और जो भी क्षेत्रीय दल हैं, बहुत सी हो सकता है कि लोगों के निजी स्वार्थ आड़े आ रहे हों, और कुछ समीकरण भी ऐसे जहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ हो गठबंधन। अब जैसे तेलंगाना का ही मसला है, केसीआर अगर नहीं आते हैं तो बल्कि अच्छा ही है अगर केसीआर नहीं आते हैं, क्योंकि केसीआर अगर आएंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बनाएंगे, तो ये तेलंगाना के हिसाब से अच्छा हो सकता है। और दूसरी तरीके से जो वहाँ जो नए अब जो समीकरण बन रहे हैं तेलंगाना के अंदर, तो वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। जिस तरीके से अमित शाह जी जाकर के आंध्रा में मिले चंद्रबाबू नायडू से, और उसके तुरंत बाद जो वाईएसआर पार्टी के जो नेता हैं जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्रा की, उनकी एक सख्त जो टिप्पणी आई, और उससे पहले जो उनकी बहन है शर्मिला जो भी पार्टी चला रही है वो जाकर के डी के शिव कुमार से मिलती हैं, तो वो सारी नहीं है। तो तेलंगाना की जो है राजनीति हो रही है, तो वो वहाँ केसीआर परेशान करने वाली है, और केसीआर ने जो रास्ता वहाँ बनाया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो उसके लिए दिक्कत देने वाली चीज़ है। तो अब केसीआर को लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि उनको कुछ नुकसान हो जाए, अब ये उनका अपना सोचना होगा। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बड़े राज्य हैं और जहाँ गठबंधन होना चाहिए और जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जानी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कोई इस तरीके का गठबंधन बनता है कि नहीं बनता है, और वहाँ जो है वो मोर्चा ठीक ठीक कायदे का बनता है कि नहीं बनता है। उसमें खासतौर से उत्तर भारत के जो दो यूपी और बिहार, इनके अंदर जो है कोई अगर अच्छा गठबंधन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की आधी कमर तो निश्चित तौर पर यहीं से छूट जाएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने जा रहा है, इसलिए आप देख रहे होंगे भारतीय जनता जिस तरीके से पैर फैलाने की कोशिश कर रही है दक्षिण भारत में, और छोटे छोटे दलों से भी जाकर के बातचीत कर रही है। उत्तर प्रदेश बिहार में भी जो है वो छोटे जो है जिनकी एक एक तरह की हैसियत है उनसे भी जब बातें हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित तौर पर समझ रही है कि यह दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जो नया विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहा है इससे। तो अब इससे जो है वो दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही नहीं, खासतौर से जो यहाँ के विपक्षी दल हैं उनके ऊपर भी एक तरीके का दबाव है कि अब उनको भी अभी तय करना उनकी मजबूरी हो जाएगा कि अब उनको रहना किस पाने में है। तो अब जैसे आप अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनके सामने भी अब ये प्रश्न है कि अगर आप नहीं विपक्षी गठबंधन के साथ जाते हैं तो ये समझ लिया जाएगा कि आप चाहे खुले तौर पे और चाहे अंदरूनी तौर पे आप जो मदद भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, ये आरोप लगना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस इस आरोप को लगाए या नहीं लगाए, जनता जो इस बात को अगर कहना शुरू कर देगी तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसलिए अखिलेश यादव जो है वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और वो जा रहे हैं उसमें। मुझे लगता है कि वो मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी उत्तर प्रदेश के अंदर भी बढ़ेगी निश्चित तौर पर। मायावती जी भी आ जाएंगी तो और अच्छी बात होगी, वो भी आ जाए उसमें, अभी तो अब तक सूचना नहीं है कि वो जा रही है नहीं जा रही है, कि अलग से कोई बात होती है तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कुल मिला के राजीव जी जो मतलब परिस्थितियां हैं वो बड़े राज्य जो है उनमें अगर इस तरीके
स्थिति बनती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन होता है मजबूत तरीके का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी वाली चीज है। अब अमेरिका में जाकर के मोदी मोदी का नारा लगवाने से यहां सरकार थोड़ी बन जाएगी भाई, भारत में सरकार तो भारत की जनता बनाएगी। अमेरिका में मोदी मोदी का नारा लगाने वाले वो जो है वो, या पपुआ गिनिया से, वो जिससे मैंने पहले कहा था, तो 250 रुपए की शील्ड जो है वो ले लेने से वो यहाँ सरकार थोड़ी बन जाएगी, तो यहाँ सरकार यहाँ की जनता बनाएगी। अब यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आप जो जहाँ वायदा करके आए थे कि मणिपुर को आप, मतलब उनका वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे मणिपुर के चुनाव के दौरान, कि पहले की सरकार उन्होंने मणिपुर को छोड़ दिया था एक तरफ कोने में, अब आपने क्या किया हुआ है मणिपुर को, यानी आप पूरा चुनाव में लड़ते रहे कर्नाटक का, वो चुनाव ही निकल गया, उसके बाद चुनाव के बाद वहां सरकार भी बन गई, सब कुछ गया, लेकिन आपको अभी तक फुर्सत नहीं मिली है कि आप जाकर के जो है वो किसी भी तरीके से मणिपुर की समस्या की तरफ ध्यान दें। आपका गृहमंत्री भी नहीं जा रहा है, मतलब गृहमंत्री बंगाल पंजाब में जाकर के भाषण दे रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था खराब हो रही है और मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं है आपका। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर उठेंगी और यही जो है वो सारी चीजें यहाँ के चुनाव में भी अब निश्चित तौर पर बनेंगी, ऐसा नहीं ध्यान नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश में जो है, कल एक खबर थी कि बलिया में जो है वो 72 घंटों में 54 लोग जो है एक ही अस्पताल में मर गए। इससे पहले योगी जी का बयान जो था वो वायरल हुआ था कि अब तो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, चूंकि यहाँ नगर निकायों में जो है उनकी बहुमत हो गया था नगर निगमों में। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये ट्रिपल इंजन की कैसी सरकारें हैं कि उड़ीसा में जो है वो 3 ट्रेनें भर जाती हैं, मणिपुर जल रहा है 45 दिन से, और उत्तर प्रदेश में एक ही अस्पताल में जो है वो 54 आदमी जो है वो मर जा रहे हैं लू से। तो ये सारी चीजें यहाँ निश्चित तौर पर मुद्दे बनेंगे। और राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान जो इस विपक्षी एकता के अंदर है राजीव जी, वो यही है कि राहुल गांधी ने एक तो जो जनता के मुद्दे थे उसको सतह पर ला दिया। अब उन मुद्दों पर चुनाव होता है नहीं होता वो एक अलग का मसला है, लेकिन फिलहाल वो मुद्दे जेरे बहस हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूर है उन मुद्दों का किसी ना किसी तरीके से जवाब देने के लिए और उनकी काट निकालने के लिए उसके ऊपर एक दबाव है, और विपक्षी दलों के ऊपर भी एक दबाव है खास तौर से, कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ईमानदारी के साथ अगर कोई मोर्चा बनाना है, या मोर्चा नहीं बनाना है, आप ईमानदार हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी तरीके से प्रयास करने के लिए, तो आपको जनता के मुद्दों की बातें करनी होंगी, जनता के सवालों को उठाना होगा। तो ये दबाव उनके ऊपर भी है, तो इसीलिए अब जो बिहार से जो शुरू होगा 23 जून को, इत्तेफाक की बात यह है कि 23 जून 3 और 2 5 होता है, और जो जेपी का आंदोलन हुआ था 5 जून 1974 का उनका जो वहां का भाषण है वो भी 5 जून होता है। तो मतलब जून 5 और जून 23 कुल मिलाकर की अंकगणित के हिसाब से भी जो है, जो न्यूमरोलॉजी कहलाती है उसके हिसाब से भी जो है ये नई जो है वो दिशा का संकेत राजीव जी निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। वो बात अलग है कि वो 74 था और ये जो है वो 23 चल रहा है, लेकिन वो समय बदलता है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें एक तरह की एक जैसी हुआ करती हैं। तो निश्चित तौर पर भी कुछ ना कुछ बदलने वाला है, और राहुल गांधी पटना जब पहुंचेंगे वहां से निश्चित तौर पर नया संकेत जो है वो जाएगा। लोग यहाँ भली बातें करते हैं, अब दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है अपनी केजरीवाल की, और ये भी हो सकता है केजरीवाल मन से चाहते हो कि कांग्रेस ना आए, हम जो है वो दोनों मोदी जी के और छोटे मोदी जो कहलाते हैं दोनों मिलकर हिस्सा बांट करें। तो अभी वो स्थिति है, अभी बनी नहीं है कि दोनों जो है आपस में मिलकर कुछ बांट कर सकें, नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन अब वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति भी अब नहीं रहेगी, क्योंकि जनता के सामने चीजें जो है वो स्पष्ट हो रही है कि कौन नुकसान पहुंचाने के मकसद से है और कौन जो है वास्तव में मोदी जी को हटाने के मकसद से, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के मकसद से है। तो अब जो 23 जून का है उससे कुछ ना कुछ निकल के तो निश्चित तौर पर आएगा, भले ही बड़ी घोषणा ना हो, लेकिन रूपरेखा एक लाइन जो है वो निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगी 2024 में